आज की हमारे तड़कते भड़कते गेमिंग अपडेट वीडियो से आप सबको जानने को मिलेगा एवर स्टूडिया नाम का एक मोबाइल गेम जो बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाला है। स्पेस फॉर द अनबाउंड का प्री रजिस्ट्रेशन नरूटो एक्स बरूटो निंजा वोल्टेज अब शट डाउन होने जा रहा है। चिल्ड्रन ऑफ मोर्टा नाम का गेम जो है लॉन्च हो चुका है। रेसिडेंट एविल 2 रीमेक का मोबाइल वर्जन फैंटम ब्लेज को अभी फिलहाल डाउनलोड करके खेल पाओगे। और इस वीडियो का आखिरी अपडेट होगा ग्रिड लेजेंड ड्यूलक्स एडिशन मोबाइल गेम के बारे में जिसका रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुका है। तो बहुत सारे नए और इंटरेस्टिंग अपडेट है, सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले रीति रिवाज को फॉलो करते हुए अगर ये वीडियो कहीं भी आपको पसंद आ जाए फटाक से लाइक ठोक देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी लगे हाथों सब्सक्राइब कर सकते हो डेली इसी तरह से इंटरेस्टिंग गेमिंग न्यूज के वीडियो देखने के लिए। तो करना, जब भी स्क्वेयर इनिक्स का नाम सुनते हैं उसमें जरूर आता है शटडाउन, क्योंकि बहुत सारे मोबाइल गेम्स रिलीज तो उनकी तरफ से किया गया था लेकिन धीरे धीरे उसे शटडाउन भी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आने वाले दिनों में एक नया स्ट्रेटेजी आरपीजी टाइटल आपको जो है मोबाइल डिवाइस में खेलने को मिल जाएगा जिसका नाम होने वाला है एम्बर स्टोरिया, जिसे आप फ्री में डाउनलोड करके खेल पाओगे अपने एंड्रॉयड iOS और PC में। अभी के लिए जो गेम है रजिस्ट्रेशन पे आया है सिर्फ और सिर्फ जापान के लिए। अब इसका ग्लोबल वर्जन भी रिलीज करेंगे या फिर नहीं इसके बारे में प्रॉपर अपडेट तो नहीं है। और गेम भी देखा जाए तो आप सबको उतना ज्यादा पसंद नहीं आने वाला है जिसका ऑन स्क्रीन आप ट्रेलर भी देख पा रहे हो। इसमें आपको आपको खुद का एम्पायर बिल्ड करना है, अपग्रेड भी कर सकते हो हर एक चीज को और दूसरे एम्पायर में जाके अटैक भी कर पाओगे अपने ट्रूप्स को यूज करके और साथ में अपने आप को डिफेंड भी करना होगा। तो कुछ हद तक इस टाइप के कॉन्सेप्ट वाले गेम ऑलरेडी काफी सारे हम सब खेल चुके हैं। तो देखते हैं आगे जाके ये गेम कब रिलीज होता है और जब भी रिलीज होगा क्या आप सब इस गेम को खेलना पसंद करोगे या फिर नहीं कमेंट करके ना जरूर बता के जाना। मोजिकिन स्टूडियो की तरफ से अनाउंस हो चुका है स्लाइस ऑफ लाइफ नैरेटर एडवेंचर टाइटल ए स्पेस फॉर द अनबाउंड, जिसे हम अपने मोबाइल डिवाइस में खेल पाएंगे बहुत ही जल्दी, जिसका रजिस्ट्रेशन जो है हमारे ऐप स्टोर पे और प्ले स्टोर पे शुरू हो चुका है। प्ले स्टोर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए, अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो कर लो क्योंकि जब भी ये गेम रिलीज होगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। गेम की बात करें तो इसमें आपको स्टोरी को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। BGM जो है गेम में बहुत ही कमाल का होने वाला है। गेम में बेसिकली फोकस किया जाएगा एक बॉय और गर्ल के ऊपर जिनके पास एक प्रॉपर सुपर नेचुरल पावर होने वाला है। और ये जो स्टोरी है टेक प्लेस करेगा लेट 90s रूरल इंडोनेशिया में, जिसका ऑन स्क्रीन आप ट्रेलर भी देख पा रहे हो। इससे थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया मिल जाएगा लेकिन जब तक गेम को खेलेंगे नहीं हमें प्रॉपर पता नहीं चलेगा कि गेम कितना अच्छा है। अभी इसका एक्सपेक्टेड रिलीज डेट बताया जा रहा है 4th अप्रैल 2025 को। जी हाँ, थोड़ा तो इंतजार करना पड़ेगा इस गेम को खेलने के लिए। तो देखते हैं आगे जाके जब भी ये गेम रिलीज होगा कितने सारे प्लेयर को अट्रैक्ट कर पाता है, आपको क्या लगता है। हमारा वीडियो का तीसरा अपडेट आ रहा है नरूटो एक्स बरूटो निंजा वोल्टेज गेम को लेके। तो जो भी हमारे दोस्त इस गेम को कंटिन्यूसली अब तक खेलते हुए आए हैं उनके लिए सैड न्यूज है। आपको तो पता है ये गेम काफी साल पहले रिलीज किया गया था बैंडाई नामको की तरफ से और जब ये गेम रिलीज हुआ था प्रॉपर उसके ऊपर एक गेम प्ले वीडियो भी बनाए थे जो आप सबकी तरफ से अच्छा सपोर्ट भी मिला था। बहुत सारे दोस्त शायद उस वीडियो को देखे भी नहीं होंगे लेकिन देखो या फिर ना देखो अब इस न्यूज को जान लो क्योंकि नरूटो एक्स बरूटो निंजा वोल्टेज गेम को बहुत ही जल्दी शटडाउन किया जाने वाला है, जिसको लेके बैंडाई नामको की तरफ से प्रॉपर स्टेटमेंट भी आ चुका है। एक्चुअल रीजन तो उन्होंने इसमें बताया नहीं है कि क्यों शटडाउन कर रहे हैं लेकिन सबको पता है बैंडाई नामको गेम बनाते हैं किसके लिए, तो शायद प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको इसको पढ़ना है वीडियो को पॉज करो आराम से पढ़ लो, लेकिन पढ़ते पढ़ते ये जान लो कि ये जो गेम है शटडाउन होने जा रहा है 9th December 2024 को, यानी उसके बाद से इस गेम को आप एक्सेस भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप सबको 2D स्टोरी ड्रिवन RPG टाइटल खेलना है अपने मोबाइल डिवाइस में तो शायद इस गेम को ट्राई कर सकते हो। लेकिन गेम का नाम बताने से पहले ये जान लो कि ये गेम टोटली पेड होने वाला है, जिसका PC वर्जन जो है ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। जिस गेम की बात करें उसका नाम है चिल्ड्रन ऑफ मोर्टा, जिसे प्ले डिसीडेस की तरफ से रिलीज किया गया है। अभी जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं गेम को प्ले स्टोर पे डाउनलोड मिल चुका है 1K से भी ज्यादा और इसका प्राइस है 629 रुपीज। और इसमें आपको कम्प्लीट एडिशन मिलेगा यानी जो DLC PC वर्जन के लिए एड हो चुके थे एंसियन स्पिरिट और पॉस एंड क्लोज नाम का, वो दोनों DLC जो है इस गेम में आपको मिल जाएगा। यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, यानी परचेज करने के बाद सभी कंटेंट जो है इस गेम में आप एक्सेस कर पाओगे।
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो जरूर से जाके परचेस कर लेना। लेकिन नेक्स्ट जो हमारा अपडेट है वीडियो का, उस गेम को भी खेलने के लिए आपको परचेस करना पड़ेगा 31 दिसंबर 2024 को। जी हाँ, एक्चुअली इसका रिलीज डेट है और ये जो गेम है एंड्रॉयड के लिए तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। अगर आप iOS डिवाइस यूज करते हो तो कंसोल लेवल के गेम्स जो है अब धीरे धीरे रिलीज होते जा रहे हैं। तो इस डेट को भी रिलीज हो जाएगा रेसिडेंट एविल 2 रीमेक मोबाइल गेम, जिसका प्री ऑर्डर जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है हमारे ऐप स्टोर पे। और उसी में ही बताया गया है एक्सपेक्टेड रिलीज डेट इस गेम का जो है 31 दिसंबर 2024, उससे पहले भी हो सकता है या फिर आगे भी पुश किया जा सकता है। कैपकॉम इस गेम को पब्लिश करने वाले हैं जो एक पॉपुलर सर्वाइवल हॉरर टाइटल है। ऑब्वियसली आपको गेम के बारे में बताने का भी तो जरूरत नहीं, कैरेक्टर होगा उसको ही यूज करके आपको स्टोरी को एक्सप्लोर करना है, बीच बीच में आपको पजल टास्क सब कुछ कंप्लीट करना है और ज़ॉम्बीज तो भर भर के होंगे। लेकिन देखा जाए तो अभी तक जितने भी सारे कंसोल लेवल के गेम रिलीज हुए हैं आईफोन में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, यानी ऑप्टिमाइजेशन की कमी है। उम्मीद करते हैं कि इस गेम के साथ ऐसा बिल्कुल ना हो। हमारा नेक्स्ट अपडेट आ रहा है एक इंडियन मल्टीप्लेयर गेम से। अभी तक जब तक इस वीडियो को बना रहे हैं बैटल रॉयल का फीचर्स तो इसमें नहीं आया है, लेकिन जरूर इसमें आप टीम डेथ मैच का मजे ले पाओगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फैंटम ब्लेज की। कुछ दिन पहले इस गेम को हमारे प्ले स्टोर पर रिलीज कर दिया गया है। अभी तक इस गेम को हमने ट्राई तो नहीं किया तो आपको बता नहीं सकते कि ये गेम कैसा है, हमें पसंद आ रहा है कि नहीं। प्रॉपर इसके ऊपर वीडियो जो है बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा, उसके लिए स्टे ट्यून रहना। गेम को बनाया है जोंग स्टूडियो और उन्होंने इस गेम को पब्लिश किए हैं। अभी जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं प्ले स्टोर पे इसका साइज है 301 MB और टोटल साइज अराउंड मान के चलो 500 MB के आसपास होगा। तो कम MB में ज्यादा मजा, एक इंडियन गेम है, सोचा क्यों ना इसे कवर किया जाए। तो अगर आपको 3D मल्टीप्लेयर शूटिंग गेम खेलना पसंद है तो जरूर इसे ट्राई कर सकते हो, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। और इस वीडियो का आखिरी अपडेट आ रहा है जो आप सबको खुश तो जरूर करेगा लेकिन साथ में ठंडा भी कर देगा। ग्रेट लेजेंड ड्यूलक्स एडिशन जो है इसी साल हमारे मोबाइल डिवाइस में रिलीज होने वाला है फेरल इंटरेक्टिव की तरफ से, और इसका ऑन स्क्रीन आप ट्रेलर भी देख पा रहे हो। बेसिकली ये गेम एक नेक्स्ट जेन रेसिंग टाइटल होने वाला है हम सब के लिए, जिसे हमें परचेज करना पड़ेगा। अगर इसका पहला टाइटल आपने खेला होगा तो आपको पता है कि इसके ग्राफिक्स से लेके कंट्रोल तक कितने अच्छे हैं। फ्री एडिशन भी है इस टाइटल का लेकिन कभी उसको ट्राई नहीं किया। अगर आप सबने खेला होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन ये जो गेम है इसे खेलने के लिए आपके पास एक अच्छा खासा डिवाइस होना चाहिए, अच्छा खासा मतलब यार प्रीमियम डिवाइस, जिसका रिक्वायरमेंट जो है आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हो iPhone 12 Pro, Pro Max, 13 Pro, Pro Max और Android यूजर के पास होना चाहिए Snapdragon 8 Gen 2 या फिर 8 Gen 3। बताया जा रहा है कि इस गेम को रिलीज करने वाले हैं 17 दिसंबर 2024 को, जिसका एक्चुअल प्राइस होने वाला है $15। अभी से इंडियन प्राइस में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो कर सकते हो, अगर आपको पहले से पता है कमेंट करके ना हम सबको जरूर बता देना। तो देखते हैं रिलीज होने के बाद ये गेम कितना हमारे डिवाइस में अच्छा चलता है। तो इसी के साथ आज की इस पंचायत को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो इसी तरह से डेली गेमिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक फ्रेश एंड फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।